Hello friends, this is Utkarsh. Welcome to our channel Cinemonk. And today I'm gonna review Padmaavat. तो पद्मावती की स्टोरी स्टार्ट होती है, शाहिद कपूर जाते हैं सिंघल मोती लेने, वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है दीपिका पदुकोण यानी रानी पद्मावती से, फिर उनको वो अपनी बीवी बना के यहाँ चित्तौड़ ले आते हैं। चित्तौड़ में लाने के बाद वो एक राजपुरोहित उनके होते हैं, उनसे मिलाते हैं। ये राजपुरोहित ही सबसे बड़ा विलन प्ले करता है इस फिल्म में और सारी चीज़ें इसी के वजह से होती हैं। इसको देश निकाला दे दिया जाता है चित्तौड़ से, फिर जाता है दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी को ये पद्मावती के सुंदरता के बारे में बताता है और बताता है कि सबसे सुंदर इस पूरे विश्व की नारी हैं रानी पद्मावती। तो वो इस नशे में, क्योंकि वो बहुत अय्याश होता है और सारी बुराइयां जितनी भी हो सकती हैं एक आदमी में, वो सारी अलाउद्दीन खिलजी के अंदर होती हैं। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, मगर 6 महीने चित्तौड़ महल के बाहर वेट करने के बाद वो सुलह करने के लिए राज़ी हो जाता है और खुद अपनी तरफ से एक संदेश भेजता है रावल रतन सिंह को सुलह के लिए। तो उसको बुलाया जाता है अंदर चित्तौड़ महल में, वो वहाँ पे जाता है, उसका खातिरदारी उसकी होती है अच्छे से वहाँ पे। उसके बाद फिर वो रावल रतन सिंह को एक निमंत्रण अपनी तरफ से देता है कि आप भी आइए, हम खिलजियों की भी खातिरदारी आप देखिए। वहाँ रावल रतन सिंह फिर दूसरे दिन जाते हैं उसके पास और वहाँ से उनको वो किडनैप करके दिल्ली लेके चला जाता है। और यहाँ से कहानी को दूसरा मोड़ मिलता है। रानी पद्मावती गोरा और बादल और 800 योद्धाओं के साथ मिलकर जाती हैं रावल रतन सिंह को छुड़ाने। फिर वहाँ से वो रावल रतन सिंह को छुड़ा के लाती हैं और गोरा बादल लड़ाई करते करते खिलजी की सेना से वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर खिलजी गुस्से में आके फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और इस बार उसकी रावल रतन सिंह से अकेले अकेले लड़ाई होती है और फिर से रावल रतन सिंह को वो छल से मार देता है और पद्मावती को पाने के लिए महल के अंदर जाता है। मगर सारी औरतें मिलकर जौहर कर लेती हैं और इस जौहर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस फिल्म में। फिर पद्मावती और वहाँ की सारी औरतें आग में कूद जाती हैं और ख़ुद को ख़त्म कर लेती हैं। और यही इस मूवी की पूरी कहानी है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। और संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा डायरेक्शन है संजय लीला भंसाली का इस फिल्म में। उन्होंने प्रॉपर जस्टिस की है हर चीज़ के साथ, चाहे वो सेट्स हो, मेकअप हो, कॉस्ट्यूम हो, लोकेशन हो और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज हों, हर चीज़ बहुत ही खूबसूरती से उसको दिखाया गया है। और स्क्रीन प्ले इस फिल्म का बहुत ही अच्छा है कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं इंटरेस्ट लूज़ कर रहा हूँ इस फिल्म से, कि अब क्या होने वाला है ये मुझे पहले से पता है। हर सीन बहुत ही खूबसूरत है इस फिल्म में और आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए ये फिल्म, क्योंकि ये फिल्म बहुत ही अच्छी और राजपूत प्राइड को और ग्लोरीफाई करती है। ये किसी को दबाती नहीं है, ये और ग्लोरीफाई करने वाली फिल्म है। एंड एवरीवन विल फील प्राउड आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, स्पेशली राजपूत्स। अब एक्टर के परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सबकी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन ख़ासकर रणवीर सिंह ने इस रोल को बहुत बखूबी निभाया है। उन्होंने इस रोल को जिया है और ही इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फिल्म। एंड दीपिका पदुकोण की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड शी लुक्स रियली गुड इन एज अ पद्मावती। और शाहिद कपूर की भी परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी है, उतनी भी बढ़िया नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि डायलॉग डिलीवरी उतनी अच्छी नहीं थी। और डायलॉग अच्छे थे लेकिन उसको शायद उतने बेहतरीन तरीके से बोला नहीं गया है। और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मलिक गफूर का रोल जिन्होंने किया है, जिम करके नाम है, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने इस फिल्म में। या पुरोहित, बहुत बढ़िया रोल किया गया है पुरोहित का और बहुत अच्छे से आप हेट करेंगे उसको, और रणवीर सिंह को सबसे ज़्यादा आप हेट करेंगे, विच इज़ द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम। लेकिन इस फिल्म का मज़ा तभी है जब आप इसको थिएटर में जाके देखेंगे। थिएटर में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सेट्स और उनकी परफॉर्मेंसेज, हर चीज़ को जस्टिस जो दे पाएगा वो सिर्फ थिएटर है। घर पर देखने का इस फिल्म को मज़ा नहीं आएगा। और जो लैविश अप्रोच है संजय लीला भंसाली का, वो आपको इस फिल्म को देखने में थिएटर में ही मज़ा आएगा। सो मैं तो कहूँगा कि आप सब लोगों को देखनी चाहिए फिल्म, क्योंकि ये फिल्म बहुत कमाल की है। सो हाउ वॉज द वीडियो? इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक आर वीडियो एंड सब्सक्राइब आर चैनल, दैट इज़ सिनेमॉन्क।